हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हेमंत राजपुत्र, आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप यहां पर स्टॉक में एसआईपी करना चाहते हैं, जैसे कि जोमेटो का हो गया, जियो फाइनेंस सर्विसेज हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है, किसी भी स्टॉक्स में अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपस्टॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन से एसआईपी किस तरीके से कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे। अगर आप चाहते हैं वीकली या मंथली कुछ स्टॉक्स आप यहाँ पर बाई करना चाहते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपके बाई होते रहें, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी आप सेलेक्ट कर लेंगे उसमें आपका बाई होता रहेगा, तो आप तरीके से यहां पर स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर आप जिरोधा का यूज करते हैं डीमैट अकाउंट या आईएनडी मनी यूज करते हैं तो वहां से भी आप यहां पर एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूज करते हैं अपस्टॉक्स को तो अपस्टॉक्स में भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं यहां पर अपस्टॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है, ये न्यू मोबाइल एप्लीकेशन है अपस्टॉक्स का, ठीक है। तो अगर आपके पास पुराना वाला है तो आप इसको न्यू में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आप यहां पर प्ले स्टोर पर जाकर न्यू वाला इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपके वॉलेट में रुपया होना चाहिए, क्योंकि आप जो एसआईपी लगाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं करने वाला हूँ जोमेटो का, यहाँ पर एसआईपी जोमेटो का जो शेयर है उसमें मैं चाहता हूँ कि मंथली एक शेयर बाई होता रहे, ठीक है। आप यहाँ पर वीकली कर सकते हैं, एक शेयर कर सकते हैं, 10 शेयर कर सकते हैं, 100 शेयर कर सकते हैं, जितना भी करना उतना कर सकते हैं। उसके लिए आपकी जो वॉलेट है उसमें रुपया होना चाहिए, जैसे देख सकते हैं कि मेरा ये फंड है, फंड कितना है, 0 रुपीज़ है, मतलब कोई भी रुपये नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ऐड फंड पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं फंड ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 400 रुपये ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 400 रुपये फिल कर दिया है और यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक होगा उसी से आपको करना होगा। फिर आप यहाँ पर मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ यूपीआई ऐप से, तो मैं पे बाय यूपीआई पर मैं क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पर फ़ोनपे पर क्लिक करके यहाँ पर जो पेमेंट है वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पे और यहाँ पर यूपीआई पिन फिल करके मैं डिपॉजिट कर देता हूँ। सो दोस्तों, जो मेरा पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, डन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, देखते हैं कि यहाँ पर 400 रुपये आ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर भी अब स्टॉक्स में भी आपको दो मोड मिलते हैं, पहला तो मिलता है आपको इन्वेस्टर के लिए, दूसरा मिलता है आपको ट्रेडर के लिए। तो आपको इन्वेस्टर में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, मतलब कि ये जो स्विच अकाउंट है ये आपका इन्वेस्टर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन मिलता है नीचे स्टॉक्स का, इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि ऊपर आपको बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर देखने को मिल जा रहे होंगे, ठीक है। तो जिस स्टॉक में आपको करना है वो स्टॉक आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं क्या करूँगा कि जैसे कि यहाँ पर ऊपर सर्च का ऑप्शन है, सर्च पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जोमेटो, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये जोमेटो स्टॉक्स आ चुका है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और देख सकते हैं कि ये इस तरीके का दिखा हुआ है, ठीक है, इसका ग्राफ आ चुका है, सब कुछ यहाँ पर इसका देखने को मिल जाता है। अब क्या करना है दोस्तों कि मुझे करना है बाई, तो मैं यहाँ पर नीचे दिया हुआ बाई का ऑप्शन, तो बाई पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है जोमेटो का, और आप यहां पर अमाउंट करना चाहते हैं या क्वांटिटी, तो आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्वांटिटी में क्या होगा कि जितना भी आपका स्टॉक्स होगा, एक क्वांटिटी आप सेलेक्ट करेंगे तो एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अमाउंट करेंगे तो उसमें क्या है कि जो हमारा जो शेयर प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस, वो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो हो सकता है कि कम स्टॉक्स आपके बाई हों या ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं क्वांटिटी पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेता हूँ कि एक क्वांटिटी यहाँ पर होता रहे। अब यहाँ पर एक क्वांटिटी अभी कितना चल रहा है, 182.10 का प्लस चार्ज लगेगा, तो चार्ज कितना लग जाएगा, 0.04 लग जाएगा एक शेयर बाई होने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये हमने क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है, बाई पर हम लोगों ने क्लिक किया, यहाँ पर क्वांटिटी पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है नीचे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ मार्केट, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एसआईपी का अमाउंट, एसआईपी का ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। आप पूरे अपस्टॉक्स में ढूंढते रहेंगे, आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा, चलिए मैं बैक होकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आपका दिखता है, यहाँ पर पहले क्या, बाई डिफ़ॉल्ट यह क्या होता है, मार्केट होता है। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट रहेगा, आपको ये ड्रॉप डाउन पर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको मार्केट लिमिट और तीसरा एसआईपी का ऑप्शन मिल जाता है। तो एसआईपी पर हम लोग क्लिक कर देंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों कि ये फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर वीकली और मंथली आपको दो देखने को मिल जाता है कि आप वीकली करना चाहते हैं या मंथली। तो मैं कर लेता हूँ मंथली, ठीक है। अब यहाँ पर सेलेक्ट डे, तो आप किस तारीख को चाहते हैं कि आपका जो स्टॉक्स है वो बाई होता रहे, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि 1 तारीख मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 1 तारीख को बाई होता रहे। तो ये हो गया 1st of every month, ठीक है। अब ये दिया हुआ है कि अगर आपका नीचे लिखा हुआ, इफ़ द सेलेक्टेड डेट इज़ ए ट्रेडिंग हॉलीडे, योर एसआईपी विल बी प्लेस्ड ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज। अगर जिस दिन, जैसे 1st तारीख को अगर सैटरडे संडे हुआ या कोई छुट्टी हुआ, तो क्या होगा कि आपका जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा उसमें आपका जो एसआईपी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टाइमिंग दिया हुआ है कि 11 AM पर आपका हो जाएगा, और लर्न मोर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं, ठीक है। नीचे मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये दिया हुआ है, आई वांट टू सेट ए मंथली एसआईपी फॉर ऑफ 1 शेयर एट मार्केट प्राइस, ठीक है।
अब ये दिया हुआ है, अभी लिखा हुआ है कि मार्केट इज क्लोज्ड, आज क्या है सैटरडे है, मार्केट बंद है। इफ़ यू प्लेस योर SIP नाउ इट विल एग्जीक्यूट व्हेन द मार्केट रीओपन्स, ठीक है, जब मार्केट ओपन होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फर्स्ट SIP व्हेन मार्केट रीओपन्स, और फिर अपकमिंग SIP क्या होगा, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। तो ये सब कुछ यहाँ पर दिखा हुआ है, और नीचे मैं कंफर्म टू बाय पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये दिया हुआ सिक्योरिटी अंडर सर्विलेंस, ठीक है, ये जोमेटो भी है तो इसको आप यहाँ पर ऑर्डर एनीवे कर दीजिएगा, ये सभी में नहीं पूछेगा, ठीक है, तो ऑर्डर एनीवे पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर लिख के आ गया है कांग्रेचुलेशंस यू हैव जस्ट स्टार्टेड ए मंथली SIP ऑफ 1 शेयर इन जोमेटो, ठीक है, तो ये हमारा जोमेटो का 1 शेयर यहाँ पर SIP हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर व्यू SIP पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपना SIP देख सकते हैं, ये दिया हुआ है SIP, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो SIP है वो कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप SIP देख सकें, तो उसके लिए क्या करना होगा कि आप यहाँ पर जाइएगा, आपका पहले क्या होगा कि यहाँ पर स्टॉक्स पर जाएंगे और आपका जो पोर्टफोलियो है तो आपके पोर्टफोलियो में जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पोर्टफोलियो में ये वाले स्टॉक्स हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर दिख रहे हैं। इसी तरीके से जब जोमेटो का यहाँ पर शेयर बाय हो जाएगा, क्योंकि मैंने लगाया है 1 तारीख का, और आज कौन सा तारीख है, आज 30 मार्च, ठीक है, तो 2-3 दिन में जब मार्केट 1 अप्रैल को ओपन होगा तो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर वहाँ पर हमारा SIP दिख जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वैसे देखना है तो आप क्या कीजिएगा, जिस स्टॉक्स में आपने लगाया हुआ तो उसको ऊपर सर्च कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने जोमेटो को सर्च किया, यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है एक्टिव SIP, ठीक है, तो यहाँ से आप ओपन करके देख सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पर दिख जाएगा, प्लस का हिस्ट्री, तो SIP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका हिस्ट्री दिख जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका SIP दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों यहाँ पर SIP कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से अगर आपको अपने स्टॉक्स में SIP करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप INDIE मनी में करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत आसान तरीका है, और जिससे कि आपका बैंक अकाउंट से रुपए कट जाएगा और यहाँ पर जो भी स्टॉक्स में आप SIP करना चाहते हैं तो वो स्टॉक्स वही हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने जरोधा का भी बताया हुआ था, उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ध्यान, थैंक यू।